हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मेडिकल सेंसे। आज का अपना टॉपिक है थिन स्किन। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो सके उतने लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने को। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज थिन स्किन। अपने को क्या पता होना चाहिए, इसे थिन स्किन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एपिडर्मिस है ना, दैट इज थिन। एपिडर्मिस थिन होता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर जो होती है, दैट इज थिन इसमें। एंड जो एपिथेलियम होता है, दैट इज केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अभी ये जो डर्मिस का पार्ट है उसमें अपने को क्या क्या दिखता है? सेबेशियस ग्लैंड, देन स्वेट ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स। ये जो है दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल, एंड ये जो है दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल। फिर एडिपोज टिश्यू होता है एंड एक मसल होता है, इरेक्टर पाइलाई मसल। ठीक है, तो ये सभी था थिन स्किन के बारे में। थिन स्किन हर जगह पे होती है बॉडी में, ओनली पाम्स एंड सोल्स में नहीं दिखती। ठीक है, सो थिन स्किन में क्या याद रखना है? एपिडर्मिस थिन होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम थिन है, केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है, एंड जो डर्मिस है उसमें क्या क्या दिखता है? सेबेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, एडिपोज टिश्यू, इरेक्टर पाइलाई मसल। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जितना हो सके उतने लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए। सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।